Hello everyone, this is Mansi from evithati.in. I'm here again with a new introduction video of chapter number 11, Perimeters and Area. So, this is an introduction video. We all know, isme hum pure chapter ka ek overview denge ki kis type ki isme aap chapters mein aapke paas questions aayenge, kis tarah se aapko solve karna hai, and also we'll discuss all the formulas in this chapter. So, starting with the name. Kya name hai? Perimeter and Area. Sabse pehle in dono ka डिफरेंस समझते हैं पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है. सो पेरीमीटर किसी भी चीज का मींस उसकी सराउंडिंग. सराउंडिंग मतलब जैसे कि आपके पास ये शेप है तो इसके पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स, मतलब सारी साइड्स मिला के कितनी होंगी. ये फोर है, ये फोर है, ये फोर है, ये फोर है. लेट्स सपोज सारी फोर है. सो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, सो वो हो जाएगा इसका पेरीमीटर. सो पेरीमीटर मींस सराउंडिंग्स. इसी तरह से एरिया क्या होता है? एरिया मींस द इनसाइड पार्ट. मतलब कि लेट्स सपोज ये डस्टर है, अगर मैं इसको कहीं रख रही हूं तो ये कितनी जगह ले रहा है, वो मतलब है इसके एरिया से कि उसका क्या एरिया. इसका पेरीमीटर देखेंगे तो इसकी जो एजेस है उनकी उनको ऐड कर देंगे, उसको सम कर देंगे, राइट. सो ये डिफरेंस होता है पेरीमीटर और एरिया का, ठीक है. एरिया में एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एरिया रिप्रेजेंट करोगे मींस जैसे आपके पास किसी भी चीज का एरिया लाइक सपोज 46 है तो वो कैसे लिखा जाता है? मीटर स्क्वायर. किसी भी चीज का एरिया है, चाहे स्क्वायर का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, किसी भी शेप का एरिया हो, वो हमेशा साथ में स्क्वायर लगता है. सेंटीमीटर में है तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, किसी भी उसमें डायमेंशन में साथ में स्क्वायर लग जाता है. लेकिन पेरीमीटर के साथ ऐसा नहीं होता, जो भी होगा इसमें वो एज इट इज रहेगा. जैसे अगर ये मीटर है तो ये मीटर ही रहेगा, ओके. सो ये इसका नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने, ओके. सो ये एज इट इज रहेगा, इसमें हम साथ में स्क्वायर लगाते हैं. अब एक एक करके हम शेप्स लाते हैं, डिस्कस करते हैं कि उसका पेरीमीटर एरिया का क्या फॉर्मूला है एंड कैसे फाइंड करते हैं. नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट फिगर व्हिच इज अ स्क्वायर. नाउ वी ऑल नो स्क्वायर इज अ शेप जिसमें आपकी चारों साइड्स इक्वल होती है, राइट. अब इसका पेरीमीटर क्या होता है? सो अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, अभी हमने डिस्कस किया किसी भी चीज का पेरीमीटर मतलब कि उसकी जो सराउंडिंग्स है या एजेस हैं उनका सम. तो इसकी जितनी भी साइड्स है सबका सम. सिंस ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी. तो फोर साइड्स होती हैं तो फोर को मल्टीप्लाई कर दो साइड से. साइड से मतलब कोई भी एक साइड ले लो. अगर एक मान लो फोर है तो सारी फोर हो जाएंगी, है कि नहीं. तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन. अब जैसे फोर इंटू फोर 16 होता है, वैसे ही 4 को अगर आप चार बार प्लस करोगे तब भी आपके पास 16 आएगा. इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड. मतलब अगर आपके पास एक साइड भी गिवन है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा. नाउ एरिया की बात करते हैं. एरिया क्या होता है? इसके अंदर का रीजन. सो दैट इज एरिया. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं साइड स्क्वायर, मतलब साइड का डबल. सो अगर ये फोर है मींस अगर साइड फोर है सो फोर इंटू फोर कर देंगे. अभी हमने फोर ऐसा एग्जांपल ले लिया कि सब में वो 16 ही आ रहे हैं, बट अगर कुछ और भी होती है लेट सपोज 6 है सो 6 इंटू 6 विच विल बी 36. सो जो भी साइड है, एक साइड गिवन है उसका डबल कर देना, मीन साइड इंटू साइड. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, ओके. सो दिस वॉज अबाउट स्क्वायर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. नाउ द नेक्स्ट फिगर इज अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मीन्स लेंथ लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होती है. लेंथ होती है दिस वन, ये होती है हमारी लेंथ एंड दिस इज दी ब्रेथ, राइट. रेक्टेंगल आपका इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा लेंथ ही बड़ी होती है. सो यहाँ पे दिस इज दी लेंथ एंड दिस इज दी ब्रेथ, ठीक है.
अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. चीज फंडा हुई है कि सारी साइड्स का सम होना चाहिए, मतलब दो बार लेंथ हो गई, दो बार ब्रेथ हो गई, क्योंकि वो सेम है. सो टू एल प्लस बी, इन्होंने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके डबल कर दिया. लेंथ और ब्रेथ को प्लस किया और उसको डबल कर दिया, क्योंकि वो दो बार आएगा, लेंथ भी दो बार सेम, ब्रेथ भी दो बार सेम. सो पेरीमीटर हो गया 2l + b. ओके, अब बात करते हैं एरिया. एरिया क्या होगा, इसके अंदर का रीजन. सो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे स्क्वायर में हुआ था साइड इनटू साइड, इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है. इसमें आपको जैसे लेंथ 4 दे दी, लेट्स सपोज ब्रेथ 2 दे दी, सो यहां पे करोगे तो 2l + b मतलब 4 + 2 विच इज 2 × 6 दैट इज 12, एंड l इंटू बी सेम अगर लेते हैं तो 4 × 2 = 8. ठीक है, सो पेरीमीटर इज 2l + b, एरिया इज l × b. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट रेक्टेंगल. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. नाउ आवर नेक्स्ट फिगर इज अ पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम क्या होता है, इट इज अ फिगर लाइक दिस. सो बेसिकली इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है. ठीक है, सो इसमें आपके पास आता है एरिया फाइंड करने के लिए. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच इज फॉर हाइट, राइट. अब देखो बेस क्या होता है, लेट सपोज इस पैरेललोग्राम में आप इसको बेस ले रहे हो, सो ये हमारा बेस है. अब हाइट क्या होगी, ये जो स्लैंटिंग लाइंस है ये हाइट नहीं होती. ये जो आपने बेस लिया है उसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाती है विच इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइट. ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये कभी भी हाइट नहीं होती, दिस इज द हाइट. ओके, सो फॉर्मूला इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. नाउ आवर नेक्स्ट फिगर इज अ ट्राइंगल. सो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट सपोज इट इज लाइक दिस, सो दिस इज अ ट्राइंगल, राइट. अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ऑल्सो हम यहाँ पे बार बार एरिया डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इनके अगर आपको पेरीमीटर निकालने हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसकी सारी साइड्स को आप एड कर दोगे. देर इज नो सर्टेन फॉर्मूला फॉर दिस. आप इनकी साइड्स को एड कर दोगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा, बट एरिया के लिए फॉर्मूला होता है विच इज हाफ बेस इंटू हाइट. जैसे पैरेललोग्राम का था बेस इंटू हाइट, उसका हाफ हो जाएगा ये. वाई, बिकॉज अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं लाइक दिस, एंड अगर मैं इसे डायगोनल से कट करूं तो ये यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, राइट. दैट्स वाई एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट. जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसका हाफ, बिकॉज उसका हाफ एक ट्राइंगल फॉर्म करता है. ओके, सो अगेन यहाँ पे भी अब बेस तो आपको समझ आ गया, बेस हम ये ले सकते हैं, राइट. सो ये हो गया बेस, बट हाइट क्या होगी. अगेन हाइट में आप ये साइड्स नहीं लोगे, इस पॉइंट से अगेन स्ट्रेट लाइन जाएगी विच इज अ परपेंडिकुलर. सो दिस इज द हाइट फॉर द ट्राइंगल. सो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई. सो हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर. नाउ आवर नेक्स्ट फिगर इज अ सर्कल. सो वी ऑल नो दिस इज अ सर्कल. अब इस सर्कल में कुछ नेम्स होते हैं, जैसे कि वी ऑल नो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास हो रही है, हाफ लाइन जो कि सेंटर से पास होके कहीं भी सर्कमफेरेंस पे टच हो रही है. सर्कमफेरेंस मींस सर्कल की सराउंडिंग्स. जैसे बाकी शेप्स में पेरीमीटर होता है, इसमें सर्कमफेरेंस होता है. ठीक है, सो दिस इज अ रेडियस. इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, राइट. सो ये हो गया रेडियस. अब इसके अलावा होता है एक पूरी लाइन जो
सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट पे टच करती है एंड सेंटर से पास होते हुए जाती है, विच कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लाइन होगी, अगर आप यूं भी बनाते हो किसी भी डायरेक्शन में बनाते हो, सो दैट इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। बस इसमें ये होना चाहिए कि ये सेंटर से पास हो, राइट? ये सेंटर से पास होगी तो ये डायमीटर होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा रेडियस, दिस इज द डायमीटर। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूलास पे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस अभी हमने बताया, सर्कमफेरेंस क्या होता है? पेरीमीटर। बेसिकली जैसे बाकी शेप्स में आप पेरीमीटर निकालते हो, सर्कल क्या हम उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। सो द फॉर्मूला इज 2πr। 2 मींस नंबर मल्टीप्लाई करने वाला, पाई, पाई होता है, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। सो पाई जहां पे भी होता है या तो हम उसे 22/7 लेते हैं या फिर 3.14। कभी कभी या मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इसे 3.14 लेना है या 22/7 लेना है। इसके बाद r इज द रेडियस। सो अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस के बाद अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई मींस सेम 22/7 या 3.14, आर मींस रेडियस। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर स्क्वायर मींस आर इनटू आर। सो अगर लेट सपोज आपको रेडियस 4 गिवन है, सो एरिया क्या होगा? 22/7 इंटू 4 इंटू 4। आर स्क्वायर मतलब रेडियस दो बार मल्टीप्लाई होगी। ओके, सो द सर्कमफेरेंस इज 2πr, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस वॉज अबाउट सर्कल, लेट्स कम टू द नेक्स्ट फिगर। नाउ आर नेक्स्ट फिगर इज अ सेमी सर्कल। नाउ अ सेमी सर्कल इज अ हाफ सर्कल। सो इफ आई ड्रॉ दिस फिगर, सो ये है एक सेमी सर्कल, मीन्स हाफ सर्कल। अब अगर सेमी सर्कल का आपको पेरीमीटर निकालना है, सी जब वो पूरा सर्कल होते हैं तो हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, बिकॉज सराउंडिंग ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कमफेरेंस। बट अगर वो इस तरह की शेप है विच इज सेमी सर्कल, तो हम उसको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ही बोलेंगे। इन दिस ये हाफ सर्कमफेरेंस इंक्लूडेड है एंड ये डायामीटर इंक्लूडेड है। डायामीटर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि अगर आपके पास पूरा सर्कल है और उसको आप कहीं से भी कट कर रहे हो, सो जब आप ये कट करोगे तो ये होता है डायामीटर, राइट? सो मींस यहाँ पे जो आया है ये है हमारे पास डायामीटर। नाउ कमिंग बैक टू द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मींस सराउंडिंग जो है उसका सम। अब ये तो है डायामीटर, तो हमने ले लिया डायामीटर, प्लस ये क्या है? हाफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब इसका हाफ, क्योंकि सर्कल आधा है तो इसको हाफ कर दो, राइट? 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? पाई आर। सो डायामीटर प्लस पाई आर, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट फिगर। अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इन्हीं फिगर्स के बेस्ड होते हैं, सो लेट्स सी किस तरह से आपको पार्ट्स का एरिया निकालना होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, पार्ट्स कोई फिगर का नाम नहीं है। देखो, लेट्स सपोज कोई भी हम फिगर लेते हैं, ये आपके पास रेक्टेंगल शेप है। अब यहाँ पे आपको इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना, इसके अंदर मैं एक और रेक्टेंगल बनाती हूँ एंड आई से कि आपको जो एरिया निकालना है वो इस फिगर का निकालना है। ये जो साइड में जो जगह है ना, इसका एरिया निकालना है, ना तो इसका निकालना है ना पूरे रेक्टेंगल का। अब ये जो शेप बन रही है, ये क्या शेप है? ये कोई भी शेप नहीं है, ना तो ये रेक्टेंगल है पूरा, ना ही स्क्वायर है। सो ये जो इसकी साइड है, इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? इसका एरिया हम ऐसे फाइंड करेंगे कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इसको कुछ नेम दे देते हैं ए बी सी डी, और जो अंदर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है पी क्यू आर एस। सो इस जगह का जो मैंने शेड किया है, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? पूरे का एरिया निकाल के एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस
area of PQR. PQRS. Right? मतलब कि अगर आपने इस पूरे का निकाल लिया, दोबारा से यहाँ फिगर बनाते हैं, इस पूरे का एरिया आपके पास आ गया, इस पूरे में ये जितनी अंदर की जगह है सब आ गई, इसमें से इतनी जगह का एरिया मैंने माइनस कर दिया, अब इस पूरे में से इतना एरिया चला गया तो क्या बचेगा, इस जगह का एरिया बचेगा, राइट, और वो ही हमें फाइंड करना था। सो क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते कि डायरेक्ट उन्होंने रेक्टेंगल नहीं दिया, ये साइड का एरिया पूछ रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और चीज हो सकती है, लेट्स सपोज आपको एक सर्कल दे दिया जाए एंड इसमें हमने कुछ शेप बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है, और ये जो बाकी रीजन है इन शेप से हटकर ये सारा रीजन हमने कर दिया शेप, और आपको बोल दिया कि एरिया निकालो शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन में ये नहीं आ रहा, ये पार्ट भी नहीं आ रहा, ये पार्ट भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, देन ये जो पार्ट शेडेड रीजन में नहीं है उनको एक एक करके माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर वन विच इज दिस माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर टू विच इज दिस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज दिस। ठीक है, सो इस तरह से अगर कुछ पार्ट शेडेड है तो हम उसका एरिया फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर्स एंड एरिया। जितने भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़े, आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सब इसी के ही अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, आई विल बी कमिंग बैक विद अ न्यू चैप्टर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।